साथियों, भीलवाड़ा बार एसोसिएशन अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा के चुनाव दिनांक 21/12/2018 को कराए जा रहे हैं, जिसमें मैं अध्यक्ष पद हेतु प्रत्याशी एडवोकेट रामावतार गौतम खड़ा हूं। आप सभी का मत व समर्थन से अनुग्रहित करते हुए मेरे इस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर खड़े होने के पीछे मुख्य एजेंडा निम्न है। मुख्य रूप से बार एसोसिएशन भीलवाड़ा में वकीलों के लिए पेयजल की समस्या, स्वच्छ पेयजल जो आरोका के द्वारा सभी वकीलों को, सभी जो वकील वहाँ आते हैं उन वकील को और जो जजेज के चैम्बर है वहाँ तक भी जो कर्मचारी हैं सभी को शुद्ध जल मिले, उसके लिए आने वाले समय में अपन आरओ प्लांट की स्थापना अच्छे लेवल की करवा करके इस समस्या को दूर कराएंगे। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि इस न्यायालय परिसर में दो प्याऊ आम जो क्लाइंट्स के लिए पानी पीने के लिए है, वो एक गजेंद्र सिंह जी के पास वाली प्याऊ है, एक MSCT कोर्ट के बाहर बनी हुई प्याऊ है, उस पर जो पिछले 11 साल से लगभग बंद सी है, जिसका पूर्ण संचरण कराकर आम जो जनता है उनको पानी की पेयजल स्वस्थ, वो भी आरओ का पानी उनको पिलाया जाएगा। तीसरा मेरा मुख्य क्यों मुख्य उद्देश्य यह है कि जो बार की जो पार्किंग है उस पार्किंग में इस तरह की व्यवस्था माकूल हो कि वहाँ पर सबके वाहन किसी प्रकार से अवरोधित नहीं हों और व्यवस्थित ढंग से खड़े हो सकें, और मुख्य रूप से वहाँ पर जो चोरी की समस्या है, साल भर के अंदर कम से कम 100-150 चोरियाँ वहाँ होती हैं, उन चोरियों पर अंकुश लगे, जिससे क्या है न्यायालय के प्रति जो भय है वो ख़त्म नहीं हो और एक स्वच्छ वातावरण बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि ये जो संस्था है एडवोकेट बार एसोसिएशन जो बनी हुई है, अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा, ये वकीलों के वेलफेयर के लिए है। वकीलों का वेलफेयर के रूप में जो सीनियर वकील हैं से लेकर जो युवा वकील हैं और नए वकील हैं, महिला हैं, इन सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएँ होती हैं, उनके अनुरूप कार्य करने के लिए एक संयुक्त एजेंडा इनके पास बार एसोसिएशन के पास होना चाहिए। उसके लिए जहाँ तक मेरे और मेरे साथियों का सुझाव और मेरा विचार है कि इसमें जूनियर अधिवक्ता और सीनियर अधिवक्ता और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और परंतु युवा हैं और महिला हैं, इनके अलग अलग तरीके से इनकी वेलफेयर किया जाए। इसके लिए जो जूनियर वकील हैं उनको जो 10 साल से या 7 साल से कम प्रैक्टिस में हैं, जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाई है, उनको बार काउंसिल की तरफ से जो वेलफेयर फंड क्या नाम है, बार काउंसिल में जो पैसा जमा है, जो बहुत अच्छे बहुतायत में हमारा वकीलों का पैसा जमा है, उसमें से प्रत्येक जूनियर वकील को 10,000 रुपये प्रतिमाह, जब तक उसका स्थायी रूप से भरण पोषण करने के सक्षम नहीं हो जावे 7 साल तक की वकालत तक, तब उसको दिलाया जावे और उसके बाद उसको ज़्यादा सुविधा की जरूरत हो पैसे की तो उसको लोन दिया जावे बिना ब्याज का, ताकि अपनी आजीविका एक समाज में एक समृद्ध वर्ग के रूप में, एक प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में, एक डॉक्टर इंजीनियर के रूप में वकील को प्रतिस्थापित कर सके। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो बुजुर्ग वकील हैं उन लोगों के लिए अलग से वहाँ पर जो है अपना बैठने करने के लिए और अपना वाचन करने के लिए अपने एक कक्ष का अलग से निर्माण पूरा हो, उसमें सारी सुविधाएं हों उनके पास, उनको ऐसा लगे कि भाई एक मैं बाहर में बैठा हूँ, एक अपने एक परिवार के पास बैठा हूँ, एक वातावरण लगना चाहिए। उसी बार रूम के अंदर टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं जो सार्वजनिक उपयोग के लिए आते हैं, वो सार्वजनिक नहीं होकर सार्वजनिक टॉयलेट अलग हो, ये सिर्फ अधिवक्ता वर्ग के लिए ही अंदर उपलब्ध किए जावें, जिनके बुजुर्ग लोगों को सबसे प्राथमिकता के आधार पर उस पर दिए जावे, और इस तरह की व्यवस्था इसमें कायम करने का मेरा सुझाव है। इसलिए मैं आपका मत और समर्थन सभी अधिवक्ताओं का चाहता हूँ। मैं प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्ति से पहुँचने का प्रयास करना चाहता था, पर समय अभाव होने की वजह से, और बारहवीं चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो एक बुद्धिजीवियों का चुनाव है, वकीलों के भाइयों का चुनाव है, इसमें कोई समय से पहले किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को अपने विचारधारा से प्रभावित करना ये उद्देश्य नहीं होता है।
सिर्फ इलेक्शन से पहले एक दो दिन पहले अपनी भावना अपने भाइयों के पास पहुंचाना और उसका प्रकटीकरण इलेक्शन के दिन मतदान पत्र के रूप मतदान पेटी के अंदर आने से एक स्वच्छ विचारधारा की निर्माण होगा। इसी के लिए मैं एडवोकेट राम अवतार गौतम आपके सामने कर संकल्प हूँ और मैं आपके अभी जो किए वादे हैं इनके अनुसार मैं अध्यक्ष बना तो मैं इन सभी का पूरा करूँगा। धन्यवाद सर। जय भारत।